अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो डॉन का ओपिनियन आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट क्लाइमेट डेट ट्रैप एंड इट्स एन आर्टिकल ऑफ 16 जून 2024 एंड द राइटर इज़ जमील अहमद। सो बेसिकली ही टॉक्स अबाउट इन हिज ओपिनियन आर्टिकल के कंट्रीज दैट आर फेसिंग अ डेट, मतलब जो कर्जों में डूबे हुए हैं, दे आर फेसिंग सिग्निफिकेंट क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस किस तरह के इन कंट्रीज़ के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर मैकेनिज्म्स और इसी वजह से वो जो डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो गैशियस इमिशंस होते हैं वो जो है ऐसे डिवेलपिंग कंट्रीज़ को या पुअर कंट्रीज़ को या कंट्रीज दैट आर इन द डेट ट्रैप उनको फेस करना पड़ता है। दे आर मोर प्रोन, दे आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, तो राइटर इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होने चाहिए एंड क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस कंट्रीज हु आर फेसिंग क्लाइमेट डेट ट्रैप। तो इसको डिस्कस करते हैं एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर दिस कंट्रीज। तो लेट्स बिगिन। तो मेन फोकस ऑफ द आर्टिकल इज़ के ये कंट्रीज जो जिन कंट्रीज का राइजिंग डेट ट्रैप है। नाउ डेट रेफर्स टू द मतलब कर्ज जो होता है, आई होप मैंने ठीक लिखा है। तो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो हैं ये इन कंट्रीज को दे आर फेसिंग द डेट पोजेस। बेसिकली डेट मतलब जो कर्जा जिन कंट्रीज ने लिया हुआ है फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF है, ABD है, ADB है, इन चीज़ों से फॉर डिवेलपिंग नेशंस। ठीक है, दैन देयर आर वेरियस इम्पेडिमेंट्स मतलब हर्डल्स हैं इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, पावर्टी एलिविएशन मतलब टू मिटिगेट टू लेसन। ठीक है, मतलब टू मॉलिफाई एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेन फोकस ऑफ द आर्टिकल क्या है कि टोटल एक्सटर्नल डेट जो है वो है फॉर 118 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द पुअर एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डबल्ड फ्रॉम $1.5 trillion इन 2010 टू $3.1 trillion इन 2022, जो कि 15% ऑफ देयर GDP कंप्राइज करता है। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर डेट है दैट इज हैविंग मोर वेटेज देन देयर GDP जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उनका कम है और डेट इतना ज़्यादा है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ख़राब है। लाइक दे आर फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड देयर इज़ नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब इस तरह के क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो कि मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूँगी, व्हाट द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट के कौन से सॉल्यूशंस होने चाहिए एंड व्हाट की इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाय द कंट्रीज टू ओवरकम सच क्लाइमेट डेट ट्रैप। तो सेकंड फैक्टर जो राइटर बताते हैं अपने आर्टिकल में, ही सेज दैट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज डेट सर्विसेज, वो क्या हैं कि इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है पोस्ट COVID-19 एरा के बाद। ठीक है, सो ही सेज दैट अप्रॉक्सीमेटली 50 कंट्रीज जो हैं डिवेलपिंग आर नियरली डिफॉल्ट, लिमिटिंग फंड्स अवेलेबल फॉर एसेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। ठीक है, 50 कंट्रीज जो हैं वो नियरली इस लाइन पर हैं, दे आर नियर बिलो द बेल्ट इस तरह कह सकते हैं आप के दे आर हैविंग लिमिटेड फंड्स। ठीक है, ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए कि दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट, वो क्लाइमेट के ओवरकम के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड हाउ कैन दे डू इन्वेस्टमेंट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज दे कैन नॉट, बिकॉज दे आर हैविंग लिमिटेड फंड्स अवेलेबल एंड दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर रिसोर्सेज बिकॉज दे आर पुअर, दे आर पुअर कंट्रीज, दे आर डिवेलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो राइटर कहता है कि इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो वो कहते हैं कि हाई डेट सर्विसेज पेमेंट्स रिस्ट्रिक्ट द फिस्कल स्पेस
फिस्कल वो चीज़ें होती हैं जो कि मोस्टली आपके टैक्स से रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमिक उस स्फेयर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दे आर नीडेड फॉर द क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस सेंटेंस का ये मतलब है कि राइटर कह रहे हैं कि ऐसी इनिशिएटिव्स होनी चाहिए, मतलब हाई डेट सर्विस। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने लिया है कर्जा, फॉर एग्जांपल जैसे सीपैक डेट है, आईएमएफ डेट है, एडीबी डेट है, ठीक है। तो ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मनी प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस कंट्रीज कि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, बट इवेंचुअली ये इस तरह के डेट्स हैं, ये इस तरह का कर्जा है कि अगर ये टाइम पे पूरा नहीं होता तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है, ठीक है, परसेंटेज चली जाती है, ऊपर होती जाती है। एंड फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, अगर फर्स्ट ईयर में पाकिस्तान ने कर्जा लिया आईएमएफ से एंड दैट इज 100 रुपीज़, तो इवेंचुअली अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने उस पैसों को पूरा नहीं किया, उस कर्जे को पूरा नहीं किया, तो इट कैन बिकम 500 ओवर द ईयर्स आफ्टर क्रॉसिंग दैट स्पेसिफिक पीरियड इट कैन बिकम 600। मतलब ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो राइटर कहते हैं कि इन एक्शन ड्यू टू फिस्कल कंस्ट्रेंट्स एग्जासरबेट्स ग्लोबल क्राइसिस लाइक पावर्टी, क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी, क्लीन एयर, एनर्जी एंड हेल्थ, ठीक है। कि अगर इन इन एक्शन होगी, मतलब इन एबिलिटी आई होप यू आर गेटिंग, मतलब कि अगर इन एबिलिटी, अगर इन चीज़ों को हमने सही नहीं किया, फाइनल फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो मुश्किल है कि हम पावर्टी को ओवरकम करें, क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करें, फूड इनसिक्योरिटी को ओवरकम करें, वाटर के जो मसले हैं उनको ओवरकम करें, एंड क्लीन एयर दैट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट उसको ओवरकम करें, ठीक है। एनर्जी और हेल्थ को हम कैसे ठीक करेंगे जब तक हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज़म्स नहीं होंगे। Now the challenges that these countries are facing is the inability of the developing countries, nations to invest in climate, ठीक है, and environmental protection due to debt obligations. सही है, मतलब debt obligations हैं ऐसे countries पे, for example Pakistan cannot contribute to these economic forums, to these climate forums. इस तरह और भी बहुत countries हैं, जैसे V20 जो है, V20 एक वो है, एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 20 डेवलपिंग नेशंस हैं, और इसके अंदर जो है दे आर द एपी सेंटर ऑफ क्लाइमेट एंड डेट क्राइसिस, जो कि थ्रेटन करता है इनकी एबिलिटी को, कि इनके पास इनकी एबिलिटी को थ्रेटन करता है कि इनके पास नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं हैं टू ओवरकम द कार्बन एमिशन इकोनॉमीज। अब कार्बन एमिशन इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए है बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कार्बन एमिशन, चाइना है, जापान है, देयर आर मेनी अदर, कैनेडा। तो अगर ये लोग कार्बन एमिशन करते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो फिर इन क्या होता है, क्योंकि इनके पास तो प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं, मसला तो इधर आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के पास कि ये फ्लड्स को डील करते हैं और बाकी जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं उनको डील करते हैं, ठीक है। सो द सेकंड पॉइंट दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट इज दैट इनएडिक्वेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, ठीक है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स नहीं है प्रॉपर ऐसे कंट्रीज के पास, अच्छा, जो कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया था इस्टेब्लिश 80 ईयर्स अगो, तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इक्विप नहीं हैं टू हैंडल मॉडर्न चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं या समिट्स हैं फॉर जैसे क्लाइमेट ऑफ COP जो है, जैसे कि COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि एवरी ईयर दैट इज हेल्ड, उसका जो समिट है इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दे डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज अ बर्निंग ग्लोबल इशू, ठीक है, कि मतलब जाहिर है इट इज़ पेविंग वे फॉर ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस, आपको समझ आ रही है। तो राइटर कहते हैं कि स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज ऑफ द करंट सिस्टम मेक फंड एसेस फॉर डिफिकल्ट फॉर दोज इन नीड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए ऑफ द करंट सिस्टम के वो ऐसे फंड्स जारी करे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, पुअर कंट्रीज के लिए, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या पुअर कंट्रीज के लिए, कि वो जो है इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सकें, मतलब के हिस्सा बन सकें क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए, जो सिस्टम है या इनिशिएटिव्स हैं लेने जाने हैं तो उसको ओवरकम करें। प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हैं कि इमीडिएट डेट रिलीफ, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि ऐसे कंट्रीज को डेट रिलीफ दिया जाए, सही है, कि वो मतलब या तो उनका टाइम स्पेन ज़्यादा किया जाए कि फॉर एग्जांपल अगर 5 ईयर था उनका डेट देने का तो मतलब उसको 10 ईयर्स कर दिया जाए या इस तरह कर दिया जाए, और मतलब एक्सटेंडिंग द लॉन्ग टर्म लोन्स होने चाहिए। सेकेंड इनिशिएटिव क्या है कि डेट स्वैप्स फॉर क्लाइमेट एंड नेचर, ठीक है। तो जितने भी एग्जिस्टिंग डेट इन एक्सचेंज फॉर क्लाइमेट एंड नेचर रिलेटेड एक्शंस हैं, ठीक है, मतलब इस तरह के काम करने चाहिए कि जितने भी कंट्रीज हैं अगर वो कार्बन एमिशंस में कंट्रीब्यूट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं तो उनके ऊपर टैक्स होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टैक्स होना चाहिए ऑन मेजर इकोनॉमीज, ताकि वो अपनी चीज़ों को लिमिट कर सकें, और दे हैव टू पे टैक्सेस दैट शुड गो टू द डेवलपिंग कंट्रीज हु आर इन रिटर्न फेसिंग दीज क्लाइमेट चेंजेस के जो क्राइसिस हैं वो, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द सॉवरन डेट मैकेनिज्म्स, तो राइटर कहते हैं वो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो इज द UN सेक्रेटरी जनरल, वो कहते हैं कि इन चीज़ों में टाइम लगेगा, इन इनिशिएटिव में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग He says that proposals from the Bridgetown initiative to revamp the global financial system, ठीक है, कि हम जल्दी जल्दी इसका कोई इलाज देखते हैं। The fourth point that the writer says that the one of the best possible solutions can be the sustainable development goals stimulate package. वो कहते हैं कि एक $500 बिलियन पर ईयर होना चाहिए ऐसा पैकेज जो कि एड्रेस करे ऐसे गरीब मुल्कों को जो कि कर्जों में डूबे हुए हैं, हाई डेट कॉस्ट स्केल अप टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एंड टू एक्सपेंड द कॉन्टीजेंसी फाइनेंसिंग फॉर कंट्रीज इन नीड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इमीडिएट डेट रिलीफ होना चाहिए, इन चीज़ों के कुछ मैकेनिज्म्स होने चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस के भी स्टेटमेंट इसमें बताया है कि वो कहते हैं जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो पैकेज हो प्रपोज करना चाहिए वो है $500 बिलियन पर ईयर। Now, a discussion for in this article is about UN Climate Change Conference. वो कहते हैं कि deliberate on the there should be UN Climate Change Conferences. वो कहते हैं कि deliberate on assisting countries in addressing climate change and debt issues. मतलब UN conferences में ये चीज़ें discuss करनी चाहिए, how to overcome debt issues, how to address climate change, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक एंड IMF स्प्रिंग मीटिंग्स होनी चाहिए, इनके अंदर भी जो है क्लाइमेट एक्शन को डिस्कस करना चाहिए उन कंट्रीज के लिए जो कि इंडेबटेड नेशंस हैं, ठीक है, तो उनको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना चाहिए और उनको हेल्प करनी चाहिए सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। फिर अफ्रीका क्लाइमेट समिट एंड आशियान मीटिंग्स हैं तो इसके अंदर दे शुड ऑल्सो एड्रेस फाइनेंशियल चैलेंजेस फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज, मतलब हु आर दोज कंट्रीज दैट आर मोर प्रोन टू दीज क्लाइमेट क्राइसिस, एंड ओपन लेटर्स टू G20 लीडर्स शुड बी सेंट, मतलब अर्जेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर और एक्शन लेने चाहिए ऑन डेट टू सपोर्ट क्लाइमेट एंड SDGs प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये एक मैंने पिक्चर आपके लिए अटैच की हुई और ये 2017 की है, बेसिकली इसके अंदर G20 क्लाइमेट इम्पैक्ट बताए हुए कि कौन से कंट्रीज जो है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो रेशो भी इसके अंदर लिखा हुआ है सबका, आप देख लें इसके अंदर, और ये देखें 80% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, 82% ऑफ द एनर्जी सप्लाई फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, और ये $147 बिलियन फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज इन 2000, सोर्स जो है इसकी ये है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जिसके अंदर 28 नेशंस इंक्लूडिंग ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली है।